नमस्कार मित्रों, मैं शशांक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जो आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने घर में रखने से आपको धन हानि हो सकती है। चलिए बात करते हैं इस विषय में। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में कैसे सकारात्मक ऊर्जा आती है और किन किन कारणों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तुशास्त्र में जिस तरह से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, उसी प्रकार वास्तु में कई चीजों को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला भी माना गया है। घर पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन हानि और कलह होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में वास्तु दोष होने पर कार्य में अड़चने आने लगती हैं। घर में कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जिन्हें आपको दूर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी हुई या टूटी हुई घड़ियों को अशुभ माना जाता है। ऐसे में बंद हो चुकी घड़ी की मरम्मत करवा लेनी चाहिए या उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। बंद घड़ी को घर में रखना प्रगति में बाधा बनने का कार्य करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूजा स्थल पर किसी भी देवी देवता की टूटी हुई प्रतिमा या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थल पर टूटी हुई घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। शास्त्रों में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मंदिर में शिवलिंग की पूजा करना काफी लाभदायक होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर के खिड़कियां दरवाजे के शीशे टूट गए हों तो उन्हें बदलवा लें। टूटे हुए शीशे रिश्तों में दरार डालते हैं, साथ ही आय में बाधा भी माने जाते हैं। टूटे हुए बर्तन और खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामानों को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को दोष उत्पन्न करने वाला माना गया है, जो घर में सुख शांति और धन संपत्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। नटराज की मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। नटराज रूप में शिव का उग्र रूप होता है। शिव इस रूप में तांडव नृत्य करते हैं, जो विनाश का प्रतीक है। डूबते जहाज की तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। यह नुकसान का प्रतीक माना जाता है, इससे बरकत में कमी आती है।